नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। शेयर पे मैंने आपको रिकमेंडेशन दी थी बाय की 104 रुपीज पे, जहां पे मैं अपने वर्ड्स एक बार रिपीट करना चाहूंगा, जहां पे क्लियरली मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था कि हम प्रेम्प्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक 105.50 के लेवल्स का एक ब्रेकआउट देगा, जिसके बाद पहला टारगेट स्टॉक में 109, दूसरा 113 रुपीज तक का आपके लिए देखने को मिल सकता है। तो पहले तो टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास टाटा स्टील का स्टॉक है तो क्या करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो क्या करना चाहिए, अगर आप ट्रेडर हो तो क्या करना चाहिए। सेकेंडली, एक ऐसा स्टॉक जो बोनस देने वाला है और वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट सिचुएशन है, यानी कि काफी ज्यादा जो उनका बोनस का रेशियो है जो वो थोड़ा अटपटा सा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में आज के सेशन में जो हुआ वो बताना चाहूंगा। 107.55 के लेवल पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, चार्ट पैटर्न कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करा था। स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हुई थी, अराउंड 95 रुपीज तक स्टॉक गया था और हमारा इन्वेस्टमेंट की राय 95 रुपीज पे ही थी, तो जिसने लिया है वो तो अच्छे प्रॉफिट में बैठा। और मुझे अच्छे से याद है जब 95 पे आया तो काफी सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास कि भाई आखिर आपने कहा था 95 आएगा, आ ही गया, क्या अब लेना चाहिए। तो कल क्लियरली मैंने आपके साथ शेयर करा, बिल्कुल लेना चाहिए 95 पे, पहला इंस्टॉलमेंट आपने करना है। दूसरा अगर स्टॉक 90 आता है तो डेफिनेटली दूसरा डालना है, अदरवाइज कोई बात नहीं, पहला तो यहाँ पे निवेश करना चाहिए। तो जिसने करा है वो बहुत अच्छा करा। अब स्टॉक में उसके बाद 95 से शार्प रिकवरी हुई 103 तक, फिर नीचे आया और स्टॉक ने अराउंड 99-102 रुपीस के पास कंसोलिडेट करा पूरे अक्टूबर और नवंबर मिड तक, और अभी स्टॉक एक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। 109 का पहला टारगेट दिख रहा है, जो कि ट्रेडर्स के लिए क्लियरली मुझे बहुत ही जल्दी आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट हो ही गया 109, तो अब 107.5 तो आ ही गया और आज का हाई देखे तो 108.20 का है, तो पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। यहां पे एक कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टाइम्स पे भी यहाँ पे बाय रिकमेंड करा गया है टाटा स्टील को, जहाँ पे उनके टारगेट जो 114 रुपीज के हैं ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से 102 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। ये ट्रेडिंग का व्यू हो गया। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे, क्या यहाँ हम निवेश कर दें। काफी सारे बिगिनर्स, काफी सारे जो मार्केट में लोग काम करते हैं ना, वो ये देख के खरीदते हैं क्या स्टॉक चल रहा है। अगर चल रहा है तो उनके दिमाग में निवेश का आइडिया आएगा और ट्रेड का आइडिया आएगा, वही स्टॉक सबसे अच्छा लगेगा। ये सबसे गलत स्ट्रेटजी होती है। आप निवेश जब करते हो ना तो आपको शॉर्ट टर्म में नहीं देखना होता, आपने लॉन्ग टर्म में देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस जब नीचे जा रहा था तो हमने निवेश की राय दी, ठीक है। डिवीज लैब अभी नीचे है तो हम निवेश की राय दे रहे हैं। तो अगर आप अभी लोगे तो अभी आपको हो सकता है कहीं ना कहीं गिरावट मिले, लॉस हो पोर्टफोलियो में, लेकिन 5-6 महीने बाद ये आपका बड़ा पैसा बनाएंगे। अब टाटा स्टील में यहां पे निवेश के लिए मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि यहां इन्वेस्ट कर दें क्या, कितना टारगेट रखें, कहां खरीद सकते हैं, तो ये निवेश के बिल्कुल भी अच्छे लेवल्स नहीं है निवेश के लिए। यहां अगर कोई लेना चाहता है वो ट्रेडिंग व्यू से खरीदे, ऐसा नहीं है खरीदना ही नहीं है, खरीदो, बिल्कुल खरीदो, बट ट्रेडिंग व्यू से। ट्रेडिंग और निवेश में क्या फर्क है, निवेश आप क्वालिटी स्टॉक में करते हो जहां पे आपका स्टॉप लॉस नहीं होता है, आपका माइंडसेट होता है गिरेगा मैं और खरीदूंगा, मैं एक्यूमुलेट करूंगा। ट्रेड मींस आपने एक लेवल देखा कि इस लेवल के ऊपर निकल रहा है, मुझे खरीदना चाहिए, यहां मैं स्टॉप लॉस रखता हूं, ये मेरा टारगेट है, यानी मेरा मैक्सिमम रिस्क इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। यहां आता है तो मैं छोड़ दूंगा, मैं भूल जाऊंगा ये कौन सी स्क्रिप्ट थी, वहां आता है मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, मैं भूल जाऊंगा कौन सी स्क्रिप्ट थी, मैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे काम करूंगा। ये होता है प्योर ट्रेडिंग व्यू। अब मैं टाटा स्टील की बात करूं तो यहां पे ट्रेडिंग व्यू बन रहा है 109-113 रुपीज के टारगेट के लिए। आप खरीदारी करना चाहें तो डेफिनेटली खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 104.70 रुपीज का, जहां से ये स्टॉक अभी भागता हुआ दिख रहा है। तो 104.70 का स्टॉप लॉस रखें, 109, 111 और 113 रुपए के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में बाय कर सकते हैं। निवेश के लिए अब आपको वेट करना चाहिए, ट्रेडिंग के हिसाब से आप खरीदो, प्रॉफिट बनाओ, छोड़ दो, वापस देख लेंगे गिरेगा तो नहीं गिरेगा तो। मार्केट में शेयर्स की कमी थोड़ी है, हमने कसम थोड़ी खा ली है कि टाटा स्टील में ही निवेश करना है। मेटल स्टॉक्स में लेना है तो आपको अंडर 500 हमने इंडाल को रिकमेंड करा था 380 पे, आज 440 के अराउंड आ रहा है, तो नो डाउट अच्छे स्टॉक्स बहुत पड़े हैं।
तो आप आराम से निश्चिंत होगे, बहुत मिलेंगे। अभी निवेश की जगह ट्रेडिंग व्यू रख के इस स्टॉक में खरीदारी करें। अब आते हैं हम बोनस वाले स्टॉक पे। तो बोनस से बात करें तो यहाँ पे एक स्टॉक है मदरसन सुमी, जिसके कल के सेशन में नंबर्स आए थे संवर्धना मदरसन के, और नंबर्स बहुत तंगड़े थे, जिसके बाद स्टॉक में रैली भी बनी। अभी मैं संवर्धना मदरसन के बारे में नहीं, ये जो कहीं ना कहीं डीमर्जर हुआ है तो वहां पे मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूँ। 16 नवंबर स्टॉक की एक्स डेट है। 2:5 के रेशो में कंपनी ने बोनस अनाउंस कराए, 2:5 के रेशो में। मतलब कि मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास 16 नवंबर को आने वाले हैं। मुझे पता है कि भाई मेरे पास तो 4 शेयर्स थे, मेरे पास तो 8 शेयर्स थे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप ऐसा करो ही मत कि आपको ये सवाल करना पड़े। 2:5 का मतलब है अगर आपके पास 5 शेयर्स हैं तो आपको 2 शेयर कंपनी एज अ बोनस देगी। तो आप 5 के मल्टीपल्स में ही अपनी पोर्टफोलियो में रखें। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 9 शेयर हैं तो भाई मंडे को बाजार खुलेगा, 10 कर दो ना उसे, एक शेयर और खरीद लो, 80 रुपये का ही तो है। तो इस तरीके से बिल्कुल काम ना करें कि आपको टेंशन लेनी पड़े, आप सवाल हमेशा बने रहे आपके दिमाग में। 2:5 का मतलब है 5 शेयर्स पे 2 शेयर कंपनी बोनस देगी। ये मत करना ना मेरे पास 4 ही है तो क्या मुझे 2 मिलेंगे, ये बहुत अजीब सवाल हो जाते हैं। तो आपको जब कंपनी पहले से बोल रही है तो इस पे ध्यान दीजिए। क्लियर बता रहा हूँ, 5 के मल्टीपल्स में अपनी पोर्टफोलियो में शेयर्स कर लो और उसी मल्टीपल में आपको शेयर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 50 शेयर्स हैं तो आपको 20 शेयर्स मिलेंगे। 48 मत करना, 2 और खरीद लो, 50 हो जाएंगे पूरे, या 3 बेच दो, 45 हो जाएंगे। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।